लोग कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि कोई भी काम हो थोड़ा बहुत हम खुद को करना पड़ता है, थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, यानी कि जरूरत पर हम खुद ही वो काम कर सके। आज मैं थ्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगी किसे मैं अपना थ्रेडिंग में खुद करती हूँ। हमेशा थ्रेडिंग हम ब्यूटी पार्लर नहीं कर पाएंगे, ऐसे भी समय आएगा जिस वक्त हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाएंगे, तो उसी वक्त किसी दूसरे को बोलना पड़ता है थ्रेडिंग करने के लिए, वो अच्छी तरह से करता है नहीं करता है, इसलिए हमको खुद को ही वो थ्रेडिंग सीखना पड़ेगा। तो चलिए आज मैं आपको थ्रेडिंग करके सिखाऊंगी। मैंने एक आईब्रो पेंसिल ले ली, उसी से मैंने अपना आईब्रो को शेप दे दूंगी, उसके बाद थ्रेडिंग करना शुरू करूंगी। थ्रेडिंग खुद ही करना सीखना चाहिए, क्योंकि गांव की औरत कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जा पाएंगे, कभी कभार जा पाएंगे, इसलिए उनको खुद ही करना पड़ता है, इसलिए थ्रेडिंग खुद ही सीखना ज़रूरी है। बस थ्रेडिंग में कोई भी काम हो, जो काम खुद कर सकते हैं वो काम खुद को ही सीखनी चाहिए, ताकि हम कभी भी अपने काम खुद कर सकते, किसी की ज़रूरत ना पड़ जाए। ये मैंने थ्रेड ले ली, हाथ जितना माप करके मैंने थ्रेड ले ली और उसको फिक्स कर दी। फिक्स करने के बाद मैं उसको कई बार मोड़ लूँगी, उसके बाद मैं थ्रेडिंग करना शुरू करूँगी। पहले मैं कैंची से मैंने एक्स्ट्रा बाल अपना काट ली, फिर थ्रेडिंग करना शुरू करूँ। फिर जो एक्स्ट्रा बाल है उसी को थ्रेड से निकालूँगी। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में ये काम हो जाता है। आप घर में ट्राई करके देखिए, ये काम 5 मिनट में हो जाता है। जितना टाइम पार्लर में लगाती है उतना ही टाइम घर पर भी लग जाती है। पहले पहले ये थोड़ा मुश्किल होता है, पर 4-5 बार करोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ऐसे ही कर ली। मेरा थ्रेडिंग अब ख़त्म हो गई है, अब मैं उसको मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाऊंगी। अब मेरी थ्रेडिंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ये मेरा वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं।